hello students in today's video we'll be learning basic english grammar topic parts of speech now what is part of speech first of all see whenever you get a sentence there are uh, sentences made up of several words those words are divided into classes according to the work they do in a sentence so those words वो जो है अलग अलग टाइप के रहते हैं दे आर देर आर एट पार्ट्स ऑफ स्पीच जब भी आपको सेंटेंस मिलता है जो अलग अलग वर्ड है उसका अलग अलग नाम होता है रोल होता है जैसे कि नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, वर्ब एडवर्ब प्रिपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन यानी वेन ए यू गेट अ सेंटेंस If you pick up one word, it will be either a noun or a pronoun or an adverb or a conjunction or a preposition. Either of these, the eight. Okay, so there are eight parts of speech. Any word exam, you will be given, like some word will be underlined. You have to identify whether it is a noun, it is a pronoun, or an adjective, or a conjunction, or an interjection. Okay, so you have to understand what exactly are these. So let's see one by one. डेफिनेशन ऑफ ऑल विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल नाउन क्या होता है नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस थिंग ऑब्जेक्ट किसी का भी नाम, जैसे अदनान इट्स अ नाउन या कोई कॉमन नेम होता है जैसे बर्ड मैन तो पूरी जो ब्रीड है ह्यूमन बींग की उसको बोलेंगे मैन कोई भी बर्ड तो इट कैन बी इट कैन बी अ स्पैरो लाइक दिस किसी भी पर्सन प्लेस थिंग ऑब्जेक्ट का जो नाम होता है दैट इज नाउन बट इन प्लेस ऑफ नाउन इफ यू यूज आई ही शी इट तो उसको बोलते हैं प्रोनाउन प्रोनाउन इज यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन एडवर्ब क्या होता है विच डिस्क्राइब्स अ वर्ब अभी गोइंग तो वेन इज ई गोइंग नाउ कोई भी एक्शन वर्ड है एक्शन के बारे में एक्शन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है या कभी कभी कोई और एग्जेक्टिव के बारे में भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है ही रीच्ड वेन डिड ही रीच नाउ लाइक दिस एडजेक्टिव क्या होता है एडजेक्टिव गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन एडवर्ब भी क्या देता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ वर्ब ये क्या देता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन कोई भी नाउन लिखा जैसे आपने लिखा चाइल्ड प्रटी चाइल्ड डर्टी चाइल्ड टॉल चाइल्ड स्मॉल चाइल्ड तो वर्ड्स विच गिव एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउ दे आर कॉल्ड एग्जेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी बोलते हैं इनको ठीक है नाउन प्रोनाउन एड वर्ब एग्जेक्टिव नाउ वॉट इज प्रिपोजिशन एज द नेम सेज दीज आर पोजिशन वर्ड या रिलेशन वर्ड क्या रिलेशन दिखाते हैं बिटवीन टू थिंगस इन अन्टेंस भी जैसे ही इवेंट अबाउट दी वर्ल्ड अबाउट वर्ल्ड अभी दीज वी विल लर्न इन डिटेल टाइम से भी रिलेशन दिखाते हैं प्लेस से रिलेशन दिखाते हैं दीज आर प्रपोजिशंस वर्ब वर्ब इज एन एक्शन वर्ड क्या क्रिया हुई क्या एक्शन हुई खाने की क्रिया रीडिंग uh, की रि एक्शन कुकिंग की रिए एक्शन uh, तो दैट इज कॉल्ड वर्ब एक्शन वर्ड अली वेंट टू कराची कंजक्शन नाउ व्हाट इज अ कंजक्शन इट्स जॉइनिंग वर्ड्स टू और मोर देन टू वर्ड्स फ्रेजेस क्लॉजेस को जो जॉइन करता है वो जॉइनिंग वर्ड्स को बोलते हैं कंजक्शन जैसे एंड और सो आफ्टर नीदर लाइक दिस लास्ट एट पार्ट ऑफ स्पीच इंटरजेक्शन इंटरजेक्शन इज यूज टू एक्सप्रेस सम सडन रश फीलिंग और एक्साइटमेंट अभी जैसे अलास ऐसे कुछ एक्सप्रेशन दिखा रहे सडन एक्सप्रेशन हुर्रा तो दे आर कॉल्ड इंटरजेक्शंस हाउ मनी पार्थ ऑफ स्पीच एट नाउन प्रनाउन एडवर्ब एग्जेक्टिव प्रिपोजिशन वर्ब कंजक्शन इंटरजेक्शन एनी सेंटेंस विच यू गेट एंड इफ दर्ड इज अंडरलाइन you will have to tell whether it is preposition whether it is adverb whether it is a conjunction so this is the definition now if you want to learn in detail their types noun get types pronoun get types verbs k types remain connected i will take one by one in detail okay. now first of all we'll start with nouns nouns as i told you naming words name of a person place animal thing etc वी हैव फाइव टाइप्स ऑफ नाउन कॉमन नाउन अभी जैसे कोई भी ब्रीड का थिंग का जनरल नेम पॉट कोई भी तरह का राउंड बॉटम राउंड पॉट स्क्वायर पॉट के अर्थन पॉट कोई भी तरह का बर्तन जो होता है जनरल कैटेगरी को नाम जो दिया तो वी कॉल इट अ कॉमन नाउन देन वी हैव प्रॉपर नाउन यानी पर्टिकुलर पर्सन का जो नाम है राहुल सीता गीता अ पर्टिकुलर नेम गिवन रुस्तम जो है पर्टिकुलर आदमी का ही नाम है तो इट इज़ अ प्रॉपर नाउन देन वी हैव कलेक्टिव नाउन कलेक्टिव नाउन क्या होता है किसी ग्रुप को जैसे द क्लास इज मूविंग हर्ड ऑफ एनिमल्स ठीक गैंग ऑफ थीव्स तो वो जो ग्रुप नेम है दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन देन वी हैव एब्सट्रैक्ट नाउन नाउन्च के नॉट बी टच्ड और सीन विद आईज तो उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन कोई भी क्वालिटी जैसे होती है पेशेंस ओके गुडनेस उनको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन मटेरियल नाउन एज द नेम सजेस्ट कोई भी मटेरियल का नाम स्टील सिल्वर गोल्ड सो इट इज मटेरियल नाउन ठीक है सो वी हैव इन ऑल फाइव नाउन्स नेक्स्ट वी हैव इज प्रोनाउंस वर्ड्स विच रिप्लेस नाउन यानी नाउन के जगह पे अगर कुछ यूज किया जाता है उसको बोलते हैं प्रोनाउन अभी प्रोनाउंस कितने टाइप, की है? टाइप के हैं एट टाइप्स के पर्सनल प्रोनाउन आई मी वी यू ही शी लाइक दिस पजेसिव प्रोनाउन यानी जो पजेशन बता रहा है मेरा तुम्हारा इसका उसका तो वो पजेसिव प्रोनाउंस बोलते हैं उसको माइन अवर्स योर्स हिज हर्स देन वी हैव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस नाउ दीज वर्ड्स आर सेम माई सेल्फ जिसके भी पीछे सेल्फ लगाया है अवर सेल्स प्लूरल है तो सेल्फ लगाएंगे सिंगुलर है तो सेल्फ लगाएंगे योर सेल्फ हिम सेल्फ हर सेल्फ इट सेल्फ दिल सेल्फ दोनों में सेम आते हैं प्रोनाउंस सेल्फ एंडिंग वाले तो हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट कि रिफ्लेक्सिव कौन सा है इम्फेटिक कौन सा है सी एल हेल्प यू विद एक्सप्लेन यू विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ही हर्ट हिम सेल्फ ड्यू टू हिस्स केयरलेसनेस नॉ इफ यू सी उसने कुछ एक्शन किया तो उसके ऊपर ही रिफ्लेक्ट हुआ इसने जो भी एक्शन किया उसके ऊपर ही रिफ्लेक्ट हुआ जैसे ही रोट हिम सेल्फ द स्पीच तो उसने लिखा उसके ऊपर ही वो एक्शन अप्लाई हुआ तो उसको क्या बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ओके अभी दूसरी होती है एम्फेटिक एम्फेटिक में हमेशा आप देखोगे कि जो भी प्रोनाउन है नाउन है उसके बाद ही सेल्फ वर्ड होगा आई माई सेल्फ ही हिम सेल्फ शी हर सेल्फ राधा हर सेल्फ हमेशा प्रोनाउन के नाउन के इमीडिएटली बाद में आता है यानी जब भी हम ज़्यादा वेटेज दे रहे मैंने खुद ने किया आई माई सेल्फ लीन द हाउस आई माई सेल्फ रोड दिस शी हर सेल्फ टोल्ड मी तो एम्फेसिस देने के लिए जब भी ये यूज़ करते हैं तो इमिडेटली प्रोनाउन या नाउन के बाद यूज़ करते हैं तो दैट इज़ एम्फेटिक प्रोनाउन सो वेन एवर इन अ सेंटेंस सेल्फ एंडिंग वाला आपको वर्ड मिलता है एंड यू आर गेटिंग कन्फ्यूज कि रिफ्लेक्टिव कि इम्फेटिक लिखूँ तो रिमेंबर भी इमीडिएटली जो प्रोनाउन के बाद आते हैं वो है इम्फैटिक अदरवाइज एक्शन वर्ड के बाद में आते हैं तो इट इज़ रिफ्लेक्सिव जो एक्शन उसके ऊपर ही रिफ्लेक्ट हुआ सो वी हैव पर्सनल पजेज रिफ्लेक्टिव एम्फैटिक दिज आर फोर रिमेनिंग फोर प्रोनाउंस डिमॉन्सट्रेटिव प्रोनाउंस डिमॉन्सट्रेट कर रहे दिस डैट दिज दोजी रिलेटिव प्रोनाउंस जो रिलेशन बताते हैं आई डोंट नो द मैन उटिंग लाउडली यानी इसका इससे रिलेशन दिखा रहा है तो इसको को बोलते हैं रिलेशन रिलेटिव प्रोनाउन देन वी हैव इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अगेन इफ यू सी रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में वर्ड्स सेम है यू विल गेट कन्फ्यूज कहाँ पर लिखूँ क्या लिखूँ रिलेटिव प्रोनाउन की इंट्रोगे प्रोनाउन तो इफ़ यू सी पीछे क्वेश्चन मार्क आ रहा है हु टुक माई अम्रेला हुर दीज पीछे क्वेश्चन मार्क करा है यानी दिज आर इंट्रोगेटिव बट जो कनेक्ट कर रहा है रिलेशन बता रहा है आई डोंट नो द मैन हु वॉज शाउटिंग तो रिलेशन बता रहा है दो क्लोज के बीच में है तो इट इज़ रिलेटिव प्रोनाउन एंड विथ क्वेश्चन मार्क एंड मोस्टली एट द बिगिनिंग इट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है अमंगस्ट ऑल द things each every either neither each of the boys has received a present distribute kar raha hai amongst boys to iske liye isko bolte hain distributive pronoun now no demonstrative interrogative distributive pronouns are never followed by a noun dekho uska matlab kya hai ye dekho ये जो है demonstrative these are, उसके पीछे noun कभी नहीं आता है ठीक है Interrogative who took, who's are. पीछे क्या है वर्ब है इसके पीछे ये वर्ड के पीछे कभी भी आपको नाउन नहीं मिलेगा दे आर नेवर फॉलोड बाय नाउन और अगर यहाँ पे नाउन आ गया तो उसका मतलब वो एग्जेक्टिव है दे आर नॉट प्रोनाउंस वंस अगेन आल रिपीट ये जो है डेमोन्स्ट्रेटिव में दिस दैट दीज इंट्रोगेटिव और इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव में हु हुज़ who, और या ईच एवरी ये जो वर्ड्स हैं इनके बाद में कभी भी आपको नाउन नहीं मिलेगा

टॉल ट्री ट्री इज नाउन उसके पहले आएगा वाई बिकॉज इट इज़ गिविंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन तो नाउन के जस्ट बिफोर ही आता है ठीक है ब्यूटिफुल ब्लैक क्रो क्रो के पहले दो एग्जेक्टिव लगाए हैं ब्यूटिफुल एंड ब्लैक दो एग्जेक्टिव हमेशा नाउन के पहले जो वर्ड होगा वच इज गिविंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन तो दे आर क्वालिटेटिव एग्जेक्टिव क्वानिटेटिव एग्जेक्टिव वो क्या बताते हैं या तो नंबर बताते हैं वन टू थ्री जिसको हम बोलते हैं कार्डिनल या फिर नंबरिंग देता है फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट उसको बोलते हैं ऑर्डिनल्स या फ्रैक्शन हाफ ऑफ वन फोर्थ ऑफ या एंड द अ फ्यू लिटिल लेस ये सब क्वांटिटी बताता है कोई भी नाउन की क्वांटिटी बताता है तो उसको बो, ये बोलते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्वांटिटी में कार्डिनल बता सकता है ऑर्डिनल बता सकता है फ्रैक्शन बता सकता है या ऐसे

योर्स देअर्स माइन तो वो क्या है प्रोनाउन हैं बट ये जो नाउन के पहले आएगा माई बुक आवर हाउस योर डिश तो उनके पहले जो भी आएगा दैट इज़ एक्जेक्टिव पॉजिटिव एक्जेक्टिव नॉट पजिटिव प्रोनाउन ओके डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव दिस दैट दीज दोज डेमॉन्स्ट्रेट करता है दीज uh, और इसके बाद में हमेशा नाउन आएगा आई टोल्ड यू डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी रहता है बट अगर डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड दिस दैट के बाद अगर नाउन आता है तो इट इज़ एग्जेक्टिव अगर वर्ब आता है या और कुछ आता है तो देन इट इज़ अ प्रोनाउन इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव अगेन इफ यू सी लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा बिगनिंग में होगा फर्क क्या होगा इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में या डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में जब भी ये वर्ड्स के बाद नाउन आएगा तो इट इज एडजेक्टिव फाइन तो विच सीजन डू यू लाइक द बेस्ट विच के बाद क्या आया नाउन दोस्ट के बाद क्या आया नाउन तो यानी इट इज़ गिविंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन तो यानी क्या हो गया एग्जेक्टिव हो गया नॉट अ प्रोनाउन सो डोंट गेट कन्फ्यूज डिस्ट्रीब्यूटिव अज अगेन एवरी चाइल्ड ये वर्ड्स के बाद क्या आया noun aya every child was given a chocolate so this is adjective possessive adjective demonstrative adjective interrogative adjective distributive adjective okay all adjectives kya yaad rakhna hai they are followed by a noun adjective ke baad hamesha noun aayega because they are describing word describe kisko करते हैं? noun को करते हैं। तो हमेशा noun के पहले आते हैं। next we have verbs verbs are nothing but action words दे डो नॉट एनी एक्शन खाने की एक्शन पीने की एक्शन लिखने की एक्शन वी हैव टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स वन इज़ मेन वर्ब अदर वन इज़ हेल्पिंग वर्ब जिसको हम लोग ऑग्जिलरी वर्ब भी बोलते हैं मेन वर्ब क्या बताता है टाइम भी बताता है एक्शन भी बताता है बट जो हेल्पिंग वर्ब है क्या करता है मेन वर्ब को हेल्प करता है टाइम बताने के लिए अगर यहाँ पे मैं सिर्फ लिखूँ कुशल प्लेइंग द गिटार तो हमको पता नहीं चलेगा अभी कर रहा है प्ले कर रहा है कि पहले कर रहा था कि बाद में करेगा बट इफ़ ही हेल्प इज बताया तो यानी अभी कर रहा है अगर मैं यहाँ पे लिखूँगी वॉज प्लेइंग तो बताएगा कि पहले कर रहा था अगर मैं लिखूँ विल बी प्लेइंग तो पता चलेगा कि फ्यूचर में प्ले करेगा तो ये क्या करता है हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को टाइम बताने में काम आता है इट हेल्प्स इन टेलिंग द टाइम एक्शन तो वो बताता है बट टाइम नहीं बता पाता तो उसको हेल्प करता है बट मेन वर्ब जो है वो हमेशा एक्शन भी बताता है टाइम भी बताता है जैसे प्लेस यानी अभी हमेशा प्ले करता है अगर मैंने लिखूँ प्लेड तो यानी पास्ट में प्ले किया तो मेन वर्ब दोनों बताता है बट ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब को हेल्प करता है फाइन देन अभी ये जो है ऑगजिलरी वर्ब ऑग्जिलरी वर्ब कैन बी प्राइमरी जैसे इज एम आर वॉज वेज एव या मोडल ऑगजिलरी भी रहता है will, shall, would, can, could, may, might, दो तरह की ऑगजिलरीज रहती है ठीक है ये था मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब ना वी हैव ट्रांजिटिव वर्ब इन ट्रांजिटिव वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है वेन एक्शन इज ट्रांसफर्ड फ्राम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट इन ट्रांजिटिव वर्ब क्या है जब भी एक्शन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र नहीं होती है नाउ दीज टू इन डिटेल हाउ विल यू नो कि ट्रांसफर हुआ नहीं हुआ कौन से वर्ड होते नहीं होते आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो फॉर ट्रांजिटिव एंड ट्रांजेटिव वर्ब इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड यू कैन गो टू प्ले लिस्ट इन इंग्लिश ग्रामर यू विल फाइंड ट्रांजेटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब्स दैन अगेन वर्ब्स आर फर्द सब डिवाइडेड इन टू फाइनाइट वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब फ़ाइनाइट वर्ब क्या करते हैं दे चेंज विथ टेंस एंड सब्जेक्ट और नाइन नॉन फाइनाइट वर्क का अगर टेंस चेंज किया सब्जेक्ट चेंज किया तो भी ये चेंज नहीं होते हैं अगेन फाइनाइट नॉन फाइनेइट के ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो डाला है क्या होते हैं उनके टाइप्स क्या हैं इफ़ यू गो टू प्ले लिस्ट यू विल फाइंड एन इंग्लिश ग्रामर फाइनाइट नॉन फाइनइट वर्ब ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्क फाइन नेक्स्ट वी हैव एडवर्ब एडवर्ब क्या करते हैं दे डिस्क्राइब अ वर्ब और एन एडजेक्टिव इनके जो है सेवन टाइप्स हैं एडवर्ब ऑफ टाइम वैन जो कभी पता चलता है जब ही हम पूछते हैं वैन ही केम वेन टुडे टमोारो ठीक या एडवर्ब ऑफ प्लेस ही केम ही केम वेयर हेअर देयर एनी वेयर

इंट्रोगेटिव एडवर्ब जैसे वेयर डज ही कम वेयर विल यू रीच इट इज एंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब ओके रिलेटिव एडवर्ब अगेन इट शोज रिलेशन आई नो वेयर ही लिवस ओके रिलेशन बताता है वेर ही लिवस बिटवीन दिस सो दिस इज रिलेटिव एडवर्ब ऑल सेवन टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स दैन वी हैव प्रपोजिशन दे आर ऑल्सो नोने पोजिशन वर्ड पोजिशन बताता है इन आउट अपंग एट टिल या मोमेंट बताता है अक्रॉस अराउंड राउंड पोजिशन बताता है या टाइम प्रपोजिशन भी रहता है टाइम के पहले ये वर्ड लगे रहे रहते हैं सिंस एट ओ क्लॉक सिंस नाइन ओ क्लॉक ड्यूरिंग द होल जर्नी अंटिल एट ओ क्लॉक टिल यू रीच टाइम प्रिपोजिशंस पोजीशन बताते हैं टाइम के पहले लगे रहते हैं देन वी हैव कंजक्शंस कंजंक्शंस आर नथिंग बट जॉइनिंग वर्ड्स जो टू और मोर वर्ड्स फ्रेजेस क्लॉजेस को जॉइन करते हैं वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ कंजक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अब इसमें क्या फ़र्क होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मतलब ऐसे कंजक्शन है जब ये आप दो पार्ट्स को डिवाइड करोगे तो भी मीनिंगफुल रहेंगे बट सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शंस ऐसे हैं जब ये आप टू पार्ट्स को सेपरेट करोगे तो वन विल भी मीनिंगफुल अदर वन विल नॉट भी मीनिंगफुल सो यू हैव टू रिमेंबर दीज आर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दीज आर सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन वन मोर यू कैन राइट को रिलेटिव कंजक्शन ये क्या होता है सेंटेंस में दो पार्ट्स में अलग अलग जगता है जैसे आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो Rather than, नो no सोनर than, तो एक पार्ट अलग लगता है दूसरा पार्ट सेंटेंस में और किधर लगता है जैसे नो no सोनर did शी कम देन हर डॉग ran अवे तो एक पार्ट में नो सोनर लगा एक पार्ट में देन लगा तो उसको बोलते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन लास्ट वी हैव इज इंटरजेक्शन इंटरजेक्शन सर सडन फीलिंग्स इट कैन बी हैप्पी सैड मोमेंट्स इमोशंस उनको बोलते हैं इंटरजेक्शन जैसे खुशी में हुर्रा सौरों में अलास सरप्राइज में ओ वॉट अप्रिसिएशन में ब्रावो वेल डन ड्राॅइंग अटेंशन किसी का अटेंशन न लुक लिसन बी होल्ड क्रिटिसाइजिंग में फाइ सो सडन एक्सप्रेशन वर्ड आप देखोगे उसके बाद में ऐसे एक्सक्लेमेटरी मार्क भी रहता है दीज आर ऑल इंटरजेक्शंस so we learned 8 parts of speech i hope this video was useful to you thank you for watching this video if you want to see more videos you can visit my youtube channel learn with bas for academic english english grammar english writing skills and if you like this video please don't forget to share with it with your friends